सगीर के बज रहे हैं, लोग सुनते हैं, अज तक तुहाडे गाने सुने जा रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब के जड़े हिट हुए जिन्होंने गाने तो अभी तुम लिखे अज के दौर से तुम कोई अजय पूरी तरह मिली नगमा नहीं लिखा कि जो जो सुन के साड़ी कौम एक बार फिर उठ जाए उन्होंने जज्बा आ जाए। नहीं वो मिली तराना तो मैं कोई नहीं लिख लिया, लेकिन मैं अक्सर कहना कि कोई भी वतन मेरे वतन जैसा नहीं है। मेरा मतलब मेरा वतन है, मैं वो जो जानता सा ना बॉम्बे बॉम्बे के हादसे के बाद बनाने ने तो मैंने याद है कम मैं करना जगजीत सिंह के भी गीत लिखना फिल्मों के भी लिखना, तो मैं उत्थे गया तो मैं नोट किया कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना उत्थे बॉर्डर से जाके तो अद्धा मिल जाता सी विस्की का तो पाकिस्तान को गाला करते की वजह बस इतने जरा मिलता भी नहीं बड़ी मुश्किल है जो मिल जाए फिर पुलिस वाले भी पैसे देने पैने बड़े लंबे प्रोसेस ने। तो फिर मैं उन्होंने एक लिखी सी उर्दू की छोटी जी कि बदबख्तों को इस जन्नत अर्जी से गिला है, बदबख्तों को इस जन्नत अर्जी से गिला है, जिसको मिला जो कुछ भी मिला इससे मिला है। हालात खतरनाक है, हम सबको खबर है, कायद के मन पे जमाने की नजर है, होशियार लुटेरों से कोई लूट न जाए, आपस की लड़ाई में ये घर टूट न जाए, ये सूबा परस्ती का जहर हम न पिएंगे, जब मुल्क ही बाकी न रहा कैसे जिएंगे। और इनके जो दुआ ही है अल्लाह करे कबूल हो नजर तो नहीं होगी। लोग ऐसे सोचते लोग कहते असि जी असि जीए असि जिंदा रहिए मुल्क नु जो हुंदा है ते होए, मगर वो बिल्कुल गलत गल है। बिल्कुल कैसे जिएंगे, आजाद परिंदों का चमन एक रहेगा, परवेज मेरा पाक वतन एक रहेगा। वाह वाह, शायरी जो है ना बिल्कुल लोगों ने माइंडसेट चेंज करने काफी है। जो लोग मैं ख्वाजा परवेज साहब के बारे बहुत कुछ सुनिया के गाने लिखते ने शेरो शायरी सब कुछ, और मेरी हसरत थी कि मैं इन्होंने मिला इन्होंने बातचीत करा कुछ देर बैठा, और अज जो मेरी हसरत वो देर बाद को मंजूर रही है। सारा क्रेडिट मैं जाना है और तुहानू भी जाना है साढ़े पंजाब टीवी भी जाना है, ठीक है कि उन्होंने मैनू इन्हों मिलन का एक मौका दिता। बिल्कुल अज जरा ना कुछ हसरत पूरी होना जिस तरह मेरी हसरत पूरी हो गई डॉक्टर आसफ जान मिल के दुनिया च ऐसे भी इंसान ने जो दुनियावी दौलत इन्होंने आखरत का ज्यादा ख्याल रखते हैं। नहीं तो साडा तो असूल है जिंदगी यो ही है कि जिंदगी को ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, एक कफन के वास्ते कितना सफर करते रहे। एक और मेरा शेर है कि हवस परस है मजबूर वरना मालो जर, कफन में जेब भी होती तो साथ ले जाते। इन्होंने दार नहीं लगता मैं जो फील कर ला मैं ना कहू तो मैं खुद गैस डॉक्टर साहब को तकलीफ है, मैं तो इन्ना अज अपने आप को ईजी फील कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान च ऐसे लोग भी हैं जो इंसानों को प्यार करते हैं, तो अल्लाह ताला जिन्हों जो प्यार करते हैं उन्होंने इन्ने नंबर नहीं होंगे। मैं पढ़िया सी छोटे होंगे बल्कि वह नंबर वो अल्लाह बंदा प्यारे ने जिन्होंने अल्लाह प्यार करता जो अल्लाह के बंद प्यार करते हैं। इस मामले तो मैं दीर ओनली डॉक्टर आसफ जी नज़र आ रहे हैं, मानता की गल है। क्या बात है। और खारे साहब साढ़े नाजरन वास्ते तुसी आज दे प्रोग्राम दे हवाले नाल की कहोगे, कोई की पैगाम देवोगे कि साढ़े लोगों के दिलों के भी जो है ना कोई एहसास पैदा हो जाए, क्योंकि अब असं चाहते हैं कि असं लोगों के दिलों में एहसास पैदा करना चाह रहे हैं, जज्बा पैदा करना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम के थ्रू। ये वास्ते तो अज तक कोई डॉक्टर साहब नहीं पता कोई टीका नहीं याद होया एहसास का कोई टीका ना डाटा गलू। देखो साड़ी अपनी मिसाल ये है, असं भी सारी जिंदगी एवं अवारगी च गुजार दिती, शायर शेरी शायरी कर ली फिल्मी वह भी इंशाला वो गुरजी पैने सिफारिश ना हुई वीडी दे, लेकिन असी मैं सिर्फ ये कहना कि ये लोग
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਸਨੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡੱਲ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕੋਲੀ ਪਾਉਂਡ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਕਾਮਰਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ Thank you.